गुड मॉर्निंग, पीयू हो गई है रेडी और अपने वैन का वेट कर रही है और इधर हमारा भजन चल रहा है। आने के बाद से मैंने शैम्पू किया इस बालों में, क्योंकि यार मुझे शैम्पू करना ही था। तभी हो गया 5 o'clock और 5 o'clock पर अभी यहाँ पे धूप है, मतलब बारिश नहीं हो रही 2-3 दिनों से। सो मैं आज भागने में आई, एक 2 रील्स बनाए मैंने और मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ब्लॉगिंग करती हूँ। आइए नहाई नहाने के बाद से तुरंत इस पर लगी, मतलब बिल्कुल भी बैठी भी नहीं, आराम भी नहीं की, लेकिन अब जाऊँगी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, थोड़ी सी ब्लॉगिंग करके मैं अभी जॉब पर आराम करूँगी। और मैंने ये कुर्ती फर्स्ट टाइम डाली है, लिया मैंने 1-2 साल पहले है, 1 साल पहले का लिया है क्योंकि मैंने, ये देखो मैंने बहुत पहले का लिया हुआ, बट आज मैंने फर्स्ट टाइम डाला इसको, कभी मैंने डाला नहीं था। एक्चुअली आने के बाद से ऐसा लगता है क्या ही ऐसा कुछ भी डालो, सॉल्ट डालो, कुछ भी डालो ऐसा लगता है, लेकिन मैंने बोला यार रोज ऐसे करने से ब्लॉगिंग, आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो हम डेली सोचे कि नहीं चलो ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, करना ही पड़ता उसके लिए सब कुछ। तो मैंने चला चलो थोड़ा सा मेकअप किया, सिर्फ बिंदी लगाया मैंने, अभी इसको निकाल के रख दूँगी, सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए रखा था, रील्स के लिए रखा था, ब्लॉगिंग के लिए। तो मैंने 1-2 शॉर्ट वीडियो बनाए और उसके बाद से मैंने बोला चलो थोड़ा सा ब्लॉगिंग करते। और पीहू सो रही हैं और थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा बैक अपना आराम करूँगी, मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि आराम करना ज़रूरी है। 4 बजे मैं बेड छोड़ती हूँ, उसके बाद से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, मैं थोड़ा आराम करूँ तो, क्योंकि आने के बाद से मुझे नहीं यूट्यूब भी देखना रहता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब मेहनत कर रही हूँ तो अच्छे से मेहनत करूँ, और सच पूछो तो उतना मेहनत नहीं कर पाती हूँ जितने सारे यूट्यूबर वाइज करते हैं, मैं उतना नहीं कर पाती बिल्कुल भी नहीं करती उसके लिए, बहुत सारा दिन भर तैयार रहो, ये करो करो, वो सब नहीं हो पाता मेरे से। लेकिन बट हाँ अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ मैं कि अच्छी ब्लॉगिंग जाए, अच्छे शॉर्ट जाए मेरे, तो ठीक है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक है, बहुत लोग ऐसे क्रिएटर हैं बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं यार वो भी, हम तो कुछ उसके आगे, एक्चुअली क्या होता है ना, हमें डबल काम पड़ जाता है, घर का भी रहता है, ऑफिस का भी रहता है और ये भी रहता है, इसकी वजह से हमारा नहीं हो पाता, हम थक जाते हैं। कोई भी इंसान आएगा थक जाएगा तो नहीं हो पाता उससे, बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको एक ही लाइन चुननी पड़ती है। लेकिन हमें फोकस अपने काम पर करना है, बिकॉज उसको मुझे आगे बढ़ाना है, ये भी बढ़ जाए तो अच्छा है। कितने बाल झड़ रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा है मेरे, क्या आपको बताऊँ। आज सुखाने के लिए बालकनी में आई थी, सो क्योंकि मैं नीचे ही थोड़ा सा आराम कर लूँगी, तो सो के बस होंगे तो सोफा गीला होता है, इसको मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाल सुखा लेती हूँ। और हमारे यहाँ श्रावण चालू हो गए हैं, मतलब पहला अभी जो मंडे है ना वो हमारा पहला सोमवार रहेगा, क्योंकि कल एक था जिसमें श्रावण नहीं चढ़ा था, आज श्रावण चढ़ेगा। तो सारे कपड़े भी डाल रखे हैं, फिर ना सुबह ही डाल के गए थे, तो चलते हैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग को आराम देते हैं, फिर शाम को बनाती हूँ ब्लॉगिंग। आ गया है, हो गया है नवीन के आने का टाइम, मैं इवनिंग स्नैक्स के लिए जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, थोड़ा उसने टीवी चालू किया है, कैरी करती हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने भुट्टे को बॉयल करके रखा हुआ है, मैंने ना भुट्टे को बॉयल करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब मैं इसको प्याज मिर्ची टमाटर, बहुत महंगा हो गया है,
तो थोड़ा सा टमाटर और डालूंगी एंड ऐसा करती हूँ मैं करती हूँ क्या, आपको पता है? पता है नहीं पता, स्टैंड में लगाती हूँ जिससे मेरा काम इजी हो जाएगा। तो गाइस ये मैंने भुट्टे को बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद मैंने करते हैं ये बस मिर्च का तड़का दी, प्याज मिर्च का तड़का है, टमाटर बहुत महंगा हुआ है, टमाटर ले डाली, टमाटर के 150 रुपये किलो, एक छोटी सी चीज में डालने की कोई जरूरत नहीं। अभी इसको साफ सड़का दी, थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी, कुछ इस तरह ये पके हैं। जब तक ये पक रहे हैं, जब तक मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ, बातें ये करनी है आपसे कि बहुत थक गई हूँ मैं, मेरे भी मन नहीं करता ब्लॉग करने का। आप बोलोगे क्या जरूरत है, मत करो, बट करूँगी मैं, क्योंकि मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। अभी मेरे भी स्नैक्स बना लेती हूँ, क्योंकि सो गई है, मैं नहीं चाहती ये भी सुन गई, क्योंकि ये भी ना 5 बजे उठ जाती है, तो इसको भी नींद आ ही जाती है। और जाने दिए, इस घर में अभी नहीं रहना है, अब हम इस घर में आई थिंक अक्टूबर तक रहेंगे, आई थिंक, क्योंकि काम तो चालू कर दिया हमने, जो भी करना था तो ब्लॉग में दिखा होगा, आजकल के ब्लॉग में दिखा होगा कि हमारा POP काम चालू हो गया है, मतलब संडे से चालू हो जाएगा वो काम, बट फाइनल हो गया, रेडी टूर जो भी तब, मतलब हमें और कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है वहाँ पर। और फर्नीचर का भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, प्लस उसे रेट बोलेंगे कम करने के लिए, तो फर्नीचर के भी हो गया। और मैं होम टूर ब्लॉगिंग में बिल्कुल लास्ट में कराऊंगी, आई थिंक पूजा के बाद भी कराऊंगी मैं, क्योंकि जब भी घर थोड़ा सही रहेगा हमारा, तो पूजा के बाद ही मैं ब्लॉग करूंगी, होम टूर करूंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम करना है। और बोलते हैं ना कि जो आपकी इच्छा हो करना चाहिए, तो उस घर में हमने बहुत ही कुछ सोच सोच के कुछ काम करवा रहे हैं, तो इसलिए चाट मसाला, हमने इसमें चाट मसाला डाल दिया, गाइस आ गए बेडरूम में, नवीन नीचे न्यूज़ देख रहे हैं और मैं सारे काम करके मैं आ गई बेडरूम में, और क्या ही बताऊँ आपको मैं क्या चल रहा है आजकल मेरे लाइफ में। कुछ लोगों ने नज़र लगा दी है, पता नहीं किसने नज़र लगाई है, जिसने नज़र लगाई है भगवान करे उसको भी नज़र लग जाए, बहुत अच्छी वाली, बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छी वाली। सो हमारे नए घर का काम जोरों तोड़ों से चल रहा है, अच्छे से चल रहा। आज मैं नहीं गई थी क्योंकि आज एक्चुअली वो लोग काम कर रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, बता दिया गया है,
बारिश भी हो रही है और थक भी बहुत गए थे। आने के बाद ब्लॉगिंग करो, ये करो, फिर घर का काम, यू की स्टडी देखना पड़ता है कि पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, जो भी हो समथिंग। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से आज मैं गई नहीं। और मैं सोच रही हूँ जाऊँगी तो अभी वहाँ का ब्लॉगिंग नहीं करूँगी मैं वहाँ की ब्लॉगिंग अभी नहीं करूँगी। मैं एक बार ये सोच रही हूँ पूरा काम या कुछ काम हो जाए जब ही करूँ, जैसे कि POP का काम चल रहा है, फर्नीचर का चल रहा है, तो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए जब मैं करूँ। ये रोज़ रोज़ आपको खाली हो घर मिलता होगा। जब भी जाऊँगी तो अभी तो नहीं करूँगी मैं। और मेरे बालों की हालत अब दे सकते हो, आज शैम्पू किया था फिर मैंने चोटी बना ली, क्योंकि मैं बाल खोल के रह भी नहीं सकती हूँ कभी भी। मेरे को बाल खोलना बहुत बेकार लगता है, बेकार नहीं तो मैं ना एक्चुअली काम करते रहते हैं ना बाल। और वैसे भी शास्त्र में लिखा गया ना कभी भी बाल खोल के नहीं रहना चाहिए। अब बाल खोल के ना मतलब घर की लक्ष्मी जाती है। आपको इसके पहले वाले ब्लॉग में बताया था घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती है। तो मैं तो आप मुझे देखो कोई सिर्फ शैम्पू या बाल सूखे हैं उसके बाद मैंने बाल बन बांध देती हूँ, नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, बहुत पंडित लोगों ने भी बोला है कि सुपन अच्छा नहीं होता है बाल खोल के रहना। तो इसलिए मैं बाल भी उसकी वजह से तो नहीं मैं ऐसा करती, मैं तो नहीं मानती हूँ, बट हाँ मानती भी हूँ थोड़ा बहुत, बट मैं खोलती भी नहीं हूँ बाल को, बहुत कम खोलती हूँ बाल को। एंड मेरे काम घर का काम बहुत अच्छे से चल रहा है और ऑफिस से सब कुछ अच्छा चल रहा है। भगवान की दया से चाहो तो सब जल्दी से सही हो जाएगा। एंड किसने लगा दिया मेरे चैनल पे नज़र यार, जो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं आई हैव नो आइडिया किसने लगाया है, बट जिसने भी लगाया प्लीज़ अपनी नज़र अपने पास रख लो और मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ने दो, इस महीने भी पेमेंट आने दो मेरे को। व्यू अच्छा होता है ऐसे चैनल से तो कुछ होता ही है, लेकिन अच्छा भी लगता है हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। मैंने देखो ब्लू कलर की नेल पेंट लगाई, ब्लू तो नहीं बोलेंगे इसको हम, जो बोलेंगे आप सोच लो किस कौन सा कलर बोलेंगे। मैंने पैर में भी लगाया था आज, एक्चुअली मैं जिस दिन शैम्पू करती हूँ ना उस दिन ना लगाती ही हूँ मैक्सिमम, अगर टाइम मिल गया तो। मैं कुछ तो कर रही थी, हाँ सब्जी काट रही थी सुबह के लिए, तो बैठे बैठे लगा रही है। और मेरी ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना। मेरे शॉर्ट वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दो आप लोग, कि थोड़ी सी मैं भी फेमस हो जाऊँ। तो किसी ने मेरी ब्लॉग को नज़र नहीं लगाया, वो तो सब करता धरता ऊपर वाला बैठा, किसी के नज़र लगाने से कुछ नहीं होता। सो गाइज गुड नाइट, टेक केयर।